देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 40 लाख को पार कर गई है। कोरोना के नए केस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,432 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,089 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नए केसेस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,23,179 हो गया है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 19,218 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 8,63,062 हो गई है और राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 25,964 हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को दिल्ली में 2,914 नए मामले सामने आए, इसके बाद कुल मामले 1,85,220 हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 4,513 हो गई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत 40 लाख कोरोना केस वाला तीसरा देश है। 30 लाख से 40 लाख यानी 10 लाख मरीजों की बढ़ोतरी होने में 13 दिन का ही वक्त लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।